बच्चों, आज हम लोग ई कंटेंट या ई सामग्री के तहत बसंत भाग 3 पुस्तक से बाज और सांप पाठ को पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं निर्मल वर्मा। मैं श्याम बदन, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय मावली, राजस्थान से। बच्चों, सर्वप्रथम हम लोग निर्मल वर्मा का जीवन परिचय देखेंगे। पहले स्लाइड पे निर्मल वर्मा जी का चित्र दिखाई दे रहा है। इनका जन्म 3 अप्रैल 1929 को शिमला में हुआ था और मृत्यु 25 अक्टूबर 2005 को। इन्हें विविध प्रकार के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें मूर्ति देवी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1999 में, दिया जा चुका है। पद्म भूषण 2002 में भारत सरकार द्वारा इन्हें प्रदान किया गया। इनके विविध उपन्यास हैं, जिसमें वे दिन, एक चित्रा सुख, लाल टीन की छत, रात का रिपोर्टर, अंतिम अरण्य, कहानी संग्रह भी है, जिसमें परिंदे, जलती झड़ी, पिछली गर्मियों में, कब्बे और काला पानी, सूखा और अन्य कहानियाँ। इसके अलावा इन्होंने ढेर सारे निबंध संग्रह लिखा है। बच्चों, ये तो लेखक परिचय था डॉक्टर निर्मल वर्मा जी के बारे में। अब हम लोग पाठ को प्रारंभ करते हैं, जिसका शीर्षक है बाज और सांप। बच्चों, यह ऐसी कहानी है बाज और सांप के माध्यम से जो बताया गया है, उसको गौर से आप लोग सुनिएगा और अंत में जो प्रश्न पूछा जाता है उसका उत्तर लिखिएगा। बच्चों, समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झलक झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थीं। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, वहां लहरें दूध के झाग सी सफेद दिखाई देती थी। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता, लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियां, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाजें। वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है, कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। न किसी से लेना, न किसी से देना, दुनिया की भाग दौड़ छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा।
उसकी छाती पर कितनों ही जख्मों के निशान थे, कितने ही जख्मों के निशान थे, पंख खून से सने थे और वह अधमरा सा जोर शोर से हांफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया, किंतु दूसरे ही क्षण उसने भांप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है और उससे डरना बेकार है। यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाज ने एक लंबी आह भरी, ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है, मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई, जी भर कर उसे भोगा है, जब तक शरीर में ताकत रही उसे सुख ऐसा नहीं पास, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। दूर दूर तक उड़ाने भरी हैं आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से ना पाया हूँ। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। सांप बोला, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक। मेरे लिए तो यह गुफा भली, इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी? सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है? अंत में तो सबको भाग्य में मरना ही लिखा है, शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन की अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूट पड़ी, आह, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिपिटा सा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते? हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बची हो कि तुम आकाश में उड़ सको, कोशिश करने में क्या हर्ज है? बाज में एक नई आशा जग उठी। वह दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ
चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा, किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया। उसके थके मादे शरीर को सफेद फेन से ढक दिया, फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगीं, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हों। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आँखों से ओझल हो गया। चट्टानों की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूंगा। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंगकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया, किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। सांप हंसते हंसते कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है। भर पाया मैं तो, पक्षी भी कितने मूर्ख हैं। धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे, किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा। केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहाँ कुछ भी नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। फिर वे पक्षी किस बूते पर इतनी डींगें हाँकते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई है कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यह बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना। न वहाँ छत है, न दीवारें हैं, न रेंगने के लिए जमीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल कांप कांप जाता है। अपने
प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज़ उठ रही है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टानों से नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना लहरें मधुर स्वर में गा रही हैं। हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। ओ निडर बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मर कर भी मृत्यु से नहीं डरते। बच्चों, कहानी बहुत मज़ेदार है, आप लोग इस कहानी को पढ़ लिए। अब इसमें से मैं कुछ प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा हूँ। आप इस प्रश्न का उत्तर इसी कहानी के आधार पर ही देंगे और अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। बच्चों, पहला प्रश्न है, सांप कहाँ रहता था? दूसरा प्रश्न है, समुद्र की लहरें क्या करती रहती थीं? बच्चों, तीसरा प्रश्न, लहरों का गीत किन लोगों के लिए है? प्रश्न नंबर चार, बाज अपने पंजे से क्या नाप पाया था? प्रश्न नंबर पाँच, बाज ने किस प्रकार मृत्यु को प्राप्त किया? और अंतिम प्रश्न नंबर छः, अंतिम प्रश्न, बाज का नाम किस प्रकार और क्यों लिया जाएगा? धन्यवाद बच्चों, इस कहानी को आप एक बार फिर पढ़िए और इस कहानी के आधार पर जो आपको बाज से प्रेरणा मिलती है, कुछ समाज में ऐसे प्राणी होते हैं जो बाज के स्वभाव के होते हैं, वीर स्वभाव के होते हैं, जो अपने प्राणों का परवाह नहीं करते और आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए वो अपना जान भी कुर्बान दे देते हैं। और कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो सांप जैसे, जो अपने खोखल में बैठे हुए सब कुछ देखता है लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता। बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।